मौसम है और इधर को हम लोग सूखा से नहीं नहला सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी जो हम बताएं आप लोग टाइटल में देखें दोस्तों कि बारिश के मौसम में तीतर को नहीं नहलाने से होगी उसकी मौत, तो भाई रियल है। अब बोलिएगा भाई कैसे मौत ही होगा, हम लोग इतने साल से पाल रहे हैं तो हो भी नहीं कि यार आप बोल रहे मौत हो जाएगा। तो भाई सबका साथ नहीं होता है, किसी किसी का साथ होता है, तो क्या वो इंसान नहीं है, उसका तीतर नहीं है दोस्तों, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है। और आप लोग के साथ भी हो सकता है दोस्तों, तो आप इस जो चीज़ बताने जा रहे हैं हम क्या चीज ट्रिक्स करना है और हमारे तीतर जो है बारिश में अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि दोस्तों बारिश के मौसम में जमीन भीगा हुआ रहता है और नमी हुआ रहता है, तो सूखा धूल नहीं मिलने के कारण हम लोग तीतर को नहलाने नहीं सकते हैं दोस्तों, ये तो आप लोग जान ही सकते हैं। तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे और तीतर को नहीं नहलाने से आखिर रीजन क्या है और क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है कि तीतर में चुई हो जाते हैं और चुई होने के वादे से उनकी जो है बहुत सारा, जब चुई होने के बाद में वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फूल जाता है शरीर, और शरीर फूलने के बाद में जो है वो लोग सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाने के बाद में दोस्तों उन लोगों की कुछ खाने पीने नहीं खाने लगते हैं और पंख अच्छा नहीं दिखेगा, बिखरा बिखरा सा दिखेगा, और उसके बाद में धीरे 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 उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम जो बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो है क्या प्रयोग कीजिएगा, आप लोग को घर में मिलेगा दोस्तों, आप लोग किसी न किसी तो घर में आग जो कहीं होंगे आग लगाते होंगे, आग से जो खाना है बनाते होंगे, खाना पीना कुछ चीज भी आप लोग करते होंगे, और बहुत भाई क्रेटों से करते हैं, लाइन से करते हैं भाई, उन लोगों की तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन किसी पड़ोसी से आप लोग कर सकते हैं, और नहीं तो खुद से आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग घर जहाँ पे सूखा हो वहाँ पर मिट्टी खोद खोद कर बना कर सूखा आप लोग ला सकते हैं। लेकिन जब हम बताने जा रहे हैं, देखिए ये जो है खाना बनाने का चूल्हा है दोस्तों, और इसमें खाना बनाने का चूल्हा है, तो यहाँ पर कोयला चूल्हा है, कोयला बोलते हैं, और देखिए यहाँ पर जो है राख हम लोग बोलते हैं, बानी बोलते हैं, राख बोलते हैं इसको बोला जाता है। तो देखिए इसको जो निकलेगा अभी उसी से तीतर को नहलाया जाएगा, और तीतर अच्छे से नहाते हैं, पंख भी बहुत ज्यादा अभी थोड़ा सा निकालते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं ना। देखिए बहुत सारा है इसमें, लेकिन हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं तो देख सकते हैं, देखिए ये जला हुआ है तो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा दूर करेंगे, और देखिए ये धूल जो निकल रहा है इसी तरह जमा करने के बाद सूखा चीज देख सकते हैं अटे की तरह, और इसी से हम तीतर को नहलाएंगे दोस्तों, और तीतर जब नहलाएगा तो उसका पंख भी सूखेगा, और इससे ज्यादा तीतर का जो होते हैं कीड़ा मतलब चुई वो बहुत जल्दी इससे मृत्यु हो जाते हैं, तीतर जो है अच्छे से रहते हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा फटाफट तीतर आप लोग को लाता हूँ और हल्का सा दिखाता हूँ दोस्तों किस तरह से वो लोग करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं तीतर जो है यहाँ पर है, और ये बारिश के होने के कारण तीतर जो है बहुत दिनों से नहीं नहलाया हुआ है। तो दोस्तों ये किसी दूसरे का तीतर था और इसमें दो तीतर था दोस्तों, उसकी बोलने का कारण नहीं था कि भाई तीतर जो था एक जो है बारिश होने के कारण उसे अच्छे से नहलाने के नहीं कारण बहुत सारे देखे उसको मृत्यु होने के बाद में उसको उचार के, तो बहुत छोटे 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 कीड़ा हो चुके थे बोल रहा है, हम बोले कीड़ा नहीं होगा ढीला हो चुके थे, हम बोल रहे जो भी सोचिए, तो बोले कि इस तरह का नहीं नहलाने से मेरा कारण शायद हुआ था, हम बोले कि नहीं नहलाने के कारण से हुआ है, ये तीतर को आप लोग को बचाना है तो अच्छे से आप लोग करें दोस्तों। देखिए हम इसको अभी जो देने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं धूल जो होता है उसको हम लोग आराम से देंगे इसी तरह से अंदर में, और वो जो है नहलाएगा दोस्तों, और अभी जो है हम लोग कैमरा को थोड़ा देख के ये डर रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और बहुत सारा देखिए अभी बारिश हो चुका है, हो रहा है, तो आप लोग को बताते हैं बारिश कितना ज़्यादा अभी हो रहा है।